हाय दोस्तों, मैं हूँ रिशद शाह टेली स्कूल से। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट टेली में मेंटेन करते हैं तो जो ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज होती है उसको आप कैसे करेंगे, यानी कि आप अकाउंट्स अपने फाइनलाइज कैसे करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि आप अपने अकाउंट्स क्लोज कैसे करेंगे। ये टैली में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि जब दूसरा साल हमारा शुरू होता है तब हमको वापस ओपनिंग एंट्रीज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता टैली में, ऐसा अब नहीं हो सकता क्योंकि टैली एक डिजिटल वे में अकाउंटिंग मेंटेन करने का सॉफ्टवेयर है। आप टैली में और भी बहुत कुछ चीज़ कर सकते हैं, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वास्ट है, लेकिन जब हम मैन्युअली अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं और फिर ओपनिंग एंट्रीज भी करते हैं वापस, क्योंकि वो मैन्युअल था। हम पेपर पेन या हमारे जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं जो लाल कलर की, उसमें हम लिखते हैं ओपनिंग एंट्रीज, तो इसी वजह से हमारे दिमाग में वही रहता है कि इसमें भी हमको ओपनिंग एंट्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन ये सॉफ्टवेयर है और इसका यही फ़ायदा है कि जितना हम रिडंडेंट काम है, यानी कि जो जिससे हमें कोई फ़ायदा एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कर देता है, और जो सॉफ्टवेयर कर सकता है लॉजिकली वो भी कर देता है। तो टैली में यही होता है, हमको ओपनिंग एंट्रीज नहीं करनी पड़ती, हमको सिर्फ अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं जो हमको क्लोज करने हैं। बाकी जो अकाउंट्स ओपन हैं जो बाकी, वो ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड होते हैं दूसरे साल, और वही मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। एक टैली स्कूल के एक विजिटर ने जो tallyschool.com पे आए थे, उन्होंने लिखा था कि आप ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज इंडिविजुअल के लिए समझाइए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आज से रोज़ ऐसे वीडियो बनाऊँगा। आप अपने जो सवाल है वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर सवाल अच्छा लगा तो उस पर भी मैं वीडियो बना लूँगा अगला जो होगा वो। अब आप अपने जब पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं टैली में, तो जो बहुत ही कॉमन अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं, एक तो सबसे पहला होता है कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप यहाँ पे आए बैलेंस शीट में, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, एक नई कंपनी क्रिएट की है टैली स्कूल पर्सनल, और उसमें बैलेंस शीट में आए तो आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट है और उसका बैलेंस है 1,31,000, ये नेट बैलेंस है। लेकिन अगर आप उसके नीचे देखें यहाँ पे, तो ये इनकम है 50,000, जो जनरली नॉर्मली पर्सनल अकाउंट्स में होती है। अगर आपकी कोई इनकम है जैसे सैलरी है या आपका बिजनेस चल रहा है तो आपकी वो इनकम है, तो वो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आएगी क्योंकि ये आपका पर्सनल अकाउंट है। बिजनेस के अकाउंट्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, पर्सनल अकाउंट में कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, तो इसी वजह से सब कैपिटल अकाउंट में होगा। फिर आपकी LIC का प्रीमियम अगर आपने भरा है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। स्कूल फीस अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं तो उनकी स्कूल की फ़ीस आएगी। ऐसे जो भी ये टैली स्कूल, ये जो नाम है टैली स्कूल, ये कैपिटल अकाउंट है और ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। जनरली कैपिटल अकाउंट आपके पर्सनल नाम से क्रिएट करते हैं हम टैली में या और कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे भी टैली स्कूल का नाम दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट को, जो मेन कैपिटल अकाउंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कैपिटल अकाउंट है 1,00,000 रुपये, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1,00,000 टैली स्कूल, तो आपका सामने की साइड एसेट की साइड, ये लायबिलिटी साइड आप देख सकते हैं, आप एसेट की साइड भी 1,00,000 का बैलेंस होना चाहिए। तो मैंने कैश इन हैंड ओपनिंग 1,00,000 का बैलेंस रखा था, तो ऐसे बैलेंस शीट बैलेंस हो जाती है। फिर जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ऊपर नीचे बैलेंसेस होते हैं, तो ये टैली स्कूल का 1,00,000 का आप जो ये देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस है, और ये जो देख रहे हैं 1,31,000 ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगर हम यहाँ पे टैली करें तो वो ये 1,31,000 और उसके सामने एसेट्स में हमारे पास है 10,000 का फर्नीचर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कैश 1,21,000, तो ये भी टोटल 1,31,000 हो गया। तो ऐसे हमारा टोटल बैलेंस टैली हो गया। अब हम देखें तो विड्रॉवल्स 12,000, जनरली पर्सनल अकाउंट्स में हम विड्रॉवल्स क्रिएट करते हैं क्योंकि हम कुछ पैसे घर पे भी ले जाते हैं अपना जो भी डेली एक्सपेंसेस हैं वो चलाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, और ये अमाउंट हो सकता है बहुत छोटे हो या बहुत ज़्यादा हो, किसी की इनकम 50,000 नहीं होती साल की, उससे थोड़ी ज़्यादा ही होती है जनरली। तो ये मैंने अमाउंट लिए है, आप अमाउंट पे मत जाइए कम या ज़्यादा, लेकिन आप लेजर्स देखिए और पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए। यहाँ पे मैंने फर्नीचर भी इंक्लूड किया है क्योंकि अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो
हो सकता है कि आप फर्नीचर भी अपने लिए रखें या आप कोई गोल्ड परचेस करें या इन्वेस्टमेंट करें, तो वो सब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट में वैसे आएगा। वो सब पर्सनल अकाउंट में हम क्लोजिंग जब एंट्री करेंगे तो ये सब जो अकाउंट्स हैं उसे हम हिंदी में पक्के खाते कहते हैं, यानी कि कॉमन लेजर्स, यानी कि करंट लेजर्स, कॉमन लेजर्स नहीं, करंट लेजर्स या करंट अकाउंट हम जिसे कहते हैं वो इस साइड आएंगे, और ये सारे जो है नॉन करंट अकाउंट है। यानी कि पक्के खाते को हम नॉन करंट अकाउंट कहेंगे, कच्चे खाते को हम करंट अकाउंट कहेंगे, और हमारे जितने भी करंट अकाउंट्स हैं वो हमें हर साल क्लोज करने पड़ते हैं क्योंकि वो हर साल नए ट्रांजैक्शंस उसमें होते हैं। लेकिन जो नॉन करंट अकाउंट्स में है उसमें हर साल नए ट्रांजैक्शंस नहीं होते क्योंकि वो नॉन करंट है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, इसीलिए हम उसको फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट वैसे ट्रीट करते हैं। तो जब हम जब क्लोजिंग एंट्री करेंगे तो वो जो नॉन करंट अकाउंट्स है, जो जैसे फर्नीचर हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट्स हो गया, जैसे आपने कोई भी चीज़ ली हो, आपने मोबाइल लिया हो तो भी आपका 2-3 साल चलता है, तो वो सब नॉन करंट अकाउंट्स हो गए, तो उसको हम क्लोज नहीं करेंगे, वो जैसा बैलेंस है वैसे ही रहने देंगे। लेकिन जो करंट अकाउंट्स है उसको आपको हर साल क्लोज करना पड़ेगा, और करंट अकाउंट्स आपके जो भी है वो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में दिखेंगे। ये सब जो मैंने लेजर्स क्रिएट किए हैं ये सब अंडर कैपिटल अकाउंट आएंगे, क्योंकि आपका ये पर्सनल अकाउंट है और आपका जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वो सब कैपिटल अकाउंट में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस है तो ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, अगर आपका पर्सनल अकाउंटिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इनकम, अगर मैं इसमें ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं ये अंडर कैपिटल अकाउंट है जो आपकी इनकम है। अब मैं यहाँ पे अगर स्कूल फीस में कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूँ तो ये भी कैपिटल अकाउंट में है। तो जैसे मैंने बताया सब कैपिटल अकाउंट्स में आएगा, कोई भी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगी। अगर आप स्कूल फीस को एक्सपेंसेस के अंडर क्रिएट करेंगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, जो कि एक रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे जब आप पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपका कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा है, या तो आपकी सैलरी आ रही है या तो आपकी जो बिजनेस इनकम आ रही है, तो बिजनेस के अकाउंट्स अलग बनेंगे, उसमें से हम इनकम जो नेट इनकम होगी वो आपके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, तो आपके पर्सनल अकाउंट्स बन जाएंगे। अब आप ये कर सकते हैं कि आपका जो पर्सनल अकाउंट है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि आपके खुद के नाम से बिजनेस चला रहे हैं, तो आप अपने पर्सनल अकाउंट प्लस बिजनेस अकाउंट्स मिक्स कर सकते हैं और एक पूरा अकाउंटिंग बना सकते हैं। आपका पूरा अकाउंट जो होगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी होगा कैपिटल अकाउंट, वो सब एक में ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपको शायद उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो। इसीलिए अगर आप ऐसे करेंगे पर्सनल अकाउंट को अलग और बिजनेस अकाउंट्स को अलग, तो आपके लिए वही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप मिक्स भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप हो सकता है आपको लगे ये एंट्री गलत है, लेकिन शायद वैसा ना हो। तो कुल मिला के ये पर्सनल अकाउंट्स है और ये सब मैंने एंट्रीज़ की हुई है, इनकम की एंट्रीज़ की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ इनकम की एंट्रीज़, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो क्रेडिट इनकम और डेबिट कैश, ये रिसिप्ट एंट्री है। अगर मैं एक दूसरी एंट्री दिखा दूँ, ये पेमेंट की एंट्री है LIC की, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ LIC डेबिट, हम जो LIC का प्रीमियम भरते हैं उसकी एंट्री है ये, और कैश क्रेडिट यानी कि कैश कम होता है, और ये पेमेंट एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं। एक और एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए विड्रॉवल्स की एंट्री, तो हम विड्रॉवल्स में जाएंगे और अंदर जाएंगे तो ये विड्रॉवल्स 12,000 और क्रेडिट कैश, हमने कैश लिया हमारे अकाउंट में से खर्च करने के लिए, जो हम नॉर्मली अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं, ये वही है। और अगर मैं यहाँ पे टेली स्कूल में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो कोई एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। अब जब आप अगर पहली बार अपना अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी में पहली बार, तो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा और आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना अकाउंटिंग क्रिएट कर रहे हैं, पहली बार अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आपको कहाँ से पैसा मिलेगा? हो सकता है आपके पापा आपको दे, हो सकता है आपने कहीं से पहली बार कमाए हो, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पर जॉब किया हो, वो भी हो सकता है। तो वो जो पहली बार का होगा वो डिसाइड करेगा कि आपने कहाँ से पैसे लिए हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आपकी सैलरी आ रही है पहली बार की ज़िंदगी में, पहली बार, और फिर आप पहली बार अकाउंट बना रहे, तो आपका सैलरी का अकाउंट होगा
वो डेबिट होगा, जो बैंक में आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और ये क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट होगा, वैसे एंट्री होगी। अगर आपके पापा आपको दे रहे हैं तो आपके पापा का अकाउंट जो है उसमें आपकी एंट्री होगी और यहाँ पे वो कनेक्ट करेगी, तो वैसे हम एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ ओपनिंग बैलेंस क्रिएट किया है। जनरली जब आप पहली बार अकाउंट बनाते हैं तो आपको देखना है कि आपको पैसे कहाँ से पहली बार के कैपिटल के मिल रहे हैं, और अगर आपका कंटिन्यूस अकाउंटिंग है, जैसे आपने पिछले साल का भी बनाया है और इस साल का भी बनाया है, अगले साल का भी बनाओगे, अगर आपका अकाउंट्स चलता आ रहा है और आप पहली बार टैली में एंट्री कर रहे हो या टैली में अपना अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं टैली में पहली बार, तो आपको देखना है पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, वही क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो आपको वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस देख के इस साल के ओपनिंग बैलेंस में एंटर कर देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको वो कैसे करना है। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूँगा। तो जब आप कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे टैली स्कूल का या फिर अपने जो भी नाम का है, फॉर एग्जांपल आपका नाम रोहित है तो आप यहाँ पे नाम में रोहित लिखेंगे क्योंकि आपका खुद का कैपिटल अकाउंट है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है वो आप एंटर करेंगे, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा अगर आपके अकाउंट्स कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और वही साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से 31 मार्च हमारा क्लोजिंग डे होता है और उसके बाद का ही अगला ही दिन 1 अप्रैल हमारा ओपनिंग डे नए साल के लिए होता है एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एज़ पर इनकम टैक्स। तो हम जो 31 मार्च का बैलेंस है पिछले साल का वो 1 अप्रैल में यहाँ पे इनपुट कर देंगे, वही सेम बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का, और ये आपका इस साल का नए साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब हम चलते हैं बाहर। ये था बैलेंस शीट और ये हमारा फर्नीचर है और ये हमारा कैश है। तो ये कैश और फर्नीचर हमारे नॉन करंट अकाउंट है, यानी कि पक्के खाते हैं, तो हम इनको क्लोज नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन ये जो है 1, 2, 3 और 4 विड्रॉवल्स, ये 4 इनकम, LIC, स्कूल फीस और विड्रॉवल्स, ये कच्चे खाते हैं, हम इसको क्लोज करेंगे। और जब आप पर्सनल अकाउंट बना रहे हो तो हम इसको क्लोज करेंगे अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट। तो जो भी आपके इनकम है या जो भी आपका एक्सपेंसेस है सब हम कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट क्लोज करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप एंट्री कैसे करेंगे क्लोजिंग एंट्रीज आपके पर्सनल अकाउंट्स में। तो हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में से आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम जाएंगे जर्नल में क्योंकि ये जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो हम जर्नल सिलेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इनकम। तो ये इनकम जो है वो हमारी ऑलरेडी हमें क्लोज करना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे इनकम का लेजर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 क्रेडिट है इनकम का, तो हम डेबिट कर देंगे, ये डेबिट साइड है। तो जैसे ही आप 50,000 एंटर करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये बैलेंस 0 हो जाएगा, यानी कि ये अकाउंट अभी स्क्वायर ऑफ हो चुका है या 0 हो चुका है, या हम कह सकते हैं कि ये क्लोज हो गया है। लेकिन हम इसको क्लोज किसके सामने करेंगे, कैपिटल अकाउंट के सामने। तो हम क्रेडिट साइड में सिलेक्ट करेंगे यहाँ से टैली स्कूल, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके एंट्री सेव कर देंगे। तो हमने इनकम अकाउंट क्लोज कर दिया। अब हम बाहर जाएंगे और वापस बैलेंस शीट में अगर मैं जाऊँ और डिटेल में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम का जो बैलेंस है वो चला गया है, 0 हो गया है। तो इसका मतलब हमने ये क्लोज कर दिया। अब वैसे ही हम ये सारे अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो चलिए वापस हम जर्नल एंट्री में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सारे अकाउंट्स क्लोज कैसे करने हैं। ये हमने कच्चा खाता क्लोज किया। अब हम और बाकी के कच्चे खाते क्लोज करेंगे। अब हम ये लिस्ट में से हम देखेंगे कौन से कच्चे खाते हैं। हमको ये LIC वाला कच्चा खाता है तो हम एंटर प्रेस करके देखेंगे। तो अगर आप एंटर प्रेस करके यहाँ पे देखें तो आपको बैलेंस दिखेगा, करंट बैलेंस जो है। अब ये डेबिट है 2000 करंट बैलेंस, तो इसको क्लोज करने के लिए हमें उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी, क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी। वो जो हमारा इनकम वाला अकाउंट था वो क्रेडिट था तो हमने डेबिट पे लिया। अब ये डेबिट है यहाँ पे DR यानी कि डेबिट, तो हम ये क्रेडिट पे लेंगे। तो डेबिट पे हम लेंगे टैली स्कूल, टैली स्कूल डेबिट होगा 2000 से। आप देख सकते हैं टैली स्कूल का यानी कि जो कैपिटल का बैलेंस है हमारा कैपिटल अकाउंट का वो है 1,50,000। अब हमने LIC में 2000 का खर्चा किया है प्रीमियम का, तो ये कम होगा हमारे कैपिटल अकाउंट से। तो हम 2000 जैसे ही डेबिट करेंगे यहाँ पे 1,48,000 हो जाएगा, और क्रेडिट पे हमको लेना है LIC। तो आप इस लिस्ट में से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे LIC और ये LIC का वापस 0 हो गया। तो एंटर प्रेस करेंगे, सेव करेंगे
और ये हमने LIC का अकाउंट भी क्लोज कर दिया। तो हमने किया क्या, हमने जो क्रेडिट अकाउंट्स थे कच्चे खाते उनको डेबिट कर दिया, और जो डेबिट अकाउंट्स थे कच्चे खाते उनको क्रेडिट कर दिया। तो इन इफ़ेक्ट हम जो खर्चे हैं या हमारी इनकम है वो सब हम कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं, और हम यहाँ जो उनके खुद के अकाउंट्स हैं वहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एक पक्का खाता है, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसको ही हम बोलते हैं क्लोजिंग अकाउंट्स या ईयर एंड क्लोजिंग अकाउंट्स या फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स या क्लोजिंग अकाउंटिंग एंट्रीज, जो भी आप कह दें ईयर एंड की एंट्रीज, वो सब यही होती हैं। अब हम चलिए फटाफट स्कूल फीस और विड्रॉल्स के जो है अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा स्कूल फीस। अब देखिए ये वापस 5000 डेबिट है, तो हमको अब पता चल गया कि ये 5000 का बैलेंस डेबिट है और ये ओपनड है, यानी कि अभी तक बंद नहीं किया है हमने ये खाता। तो हम वापस जाएंगे और ये डेबिट है यहाँ पे, इसी वजह से हम यहाँ पे डेबिट पहले टैली स्कूल कर देंगे जो हमारा कैपिटल अकाउंट है 5000 से। तो 1,48,000 में से ये वापस कम हो जाएगा, और क्रेडिट पे हम ले लेंगे स्कूल फीस। तो देख सकते हैं आप स्कूल फीस वापस ज़ीरो हो गया, तो यानी कि स्कूल फीस का अकाउंट भी क्लोज हो गया। हम एंटर प्रेस करके एंट्री कर देंगे। अब हम देखेंगे विड्रॉवल्स, तो विड्रॉवल्स देखिए वापस 12,000 डेबिट है, तो हम बैक जाएंगे और पहले डेबिट करेंगे टैली स्कूल जो कैपिटल अकाउंट है 12,000, और एंटर प्रेस करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे इस लिस्ट में से यहाँ पे विड्रॉवल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विड्रॉवल्स का भी ज़ीरो हो गया। तो ऐसे ही हमने जो डेबिट था वो क्रेडिट कर दिया, वो क्रेडिट था वो डेबिट कर दिया, लेकिन हमने सामने किसका अकाउंट लिया, कैपिटल अकाउंट, ये याद रखने की चीज़ है। अब हम बैलेंस शीट में वापस जाएंगे और मैं अगर ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करूं डिटेल में, तो आप देख सकते हैं टैली स्कूल का जो ये बैलेंस है और ये जो बोल्ड में बैलेंस है वो सेम हो गया। यही होना चाहिए आपके टैली में भी। ये जो मेन यहाँ पे बैलेंस है और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है वहाँ पे जो बैलेंस है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी आपने सारी एंट्रीज बराबर क्लोज की है। अगर आप इसमें अंदर जाएं और अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं, अगर और अंदर जाएं तो ये जो हमने जर्नल एंट्रीज की ये सब एंट्रीज हैं, और अगर इसमें जाएं तो वही सारी जर्नल एंट्रीज हैं। तो हमने सारी जर्नल एंट्रीज क्रिएट करके क्लोज कर दिए, और जनरली ये जो जर्नल एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं वो एंड ऑफ द ईयर होती है। तो यहाँ पे मैंने डेट 1 अप्रैल ले ली, लेकिन आप कर सकते हैं यहाँ पे 31 मार्च और एंड ऑफ द ईयर एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे डेट चेंज करके आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके आप बंद कर सकते हैं। तो देखिए मैं अभी हर एक में डेट चेंज कर देता हूँ कंट्रोल प्लस ए। इतना फास्ट आप टैली में काम कर सकते हैं अगर आपको टैली अच्छे से सही तरीके से आता है। तो मैंने सारी क्लोजिंग एंट्रीज कर दी जो थी 1 अप्रैल की, मैंने 31 मार्च को कर दी। अगर आप यहाँ पे देखें 31 मार्च 2019 आखिरी दिन है साल का, और यहाँ पे हम जाएं तो ये 1 मार्च से 31 मार्च में दिखा रहा है 4 एंट्रीज, तो ये सारी क्लोजिंग एंट्रीज हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैश और फर्नीचर को क्लोज़ नहीं किया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये पक्के खाते हैं और इन्हें हम क्लोज़ नहीं करते, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, और उसके लिए मैं एक जो हमारा अकाउंट है उसकी एंट्री डिलीट मार देता हूँ अभी, तो आपको पता चलेगा कि वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं और वो कैसे एक फॉल्स पिक्चर दिखाता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं दिखाता और आप 100% कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर आप कच्चे खाते बंद नहीं करोगे। चलिए मैं आपको ये जो स्कूल फी, ये जो LIC का जो ये एंट्री हमने की थी LIC के खर्चे की, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ऑल्ट प्रेस डी प्रेस करके जो शॉर्टकट है, और एंटर प्रेस करके ये डिलीट। तो ये हमने एक 2000 का पक्का कच्चा खाता यानी कि नॉन करंट अकाउंट ओपन रखा है, इसको हमने क्लोज़ नहीं किया, बाकी सारे क्लोज कर दिए। अब ये हमारा साल कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ, ऑल्ट प्लस F2 अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा हमारा 1/4/2018 से 31/3/2019 का साल है। अगर आप बाहर जाएंगे तो भी आपको पता चलेगा यहाँ पे करंट डेट और करंट पीरियड आपको यहाँ पे दिखेगा 1/4/2018 to 31/3/2019 अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। अब हम यहाँ से पीरियड बदलेंगे, अगले साल में जाएंगे, जब आप नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स लिखना चालू करोगे तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको पीरियड चेंज करना पड़ेगा
तो 1/4/2019 से हम 31/3/2020 ऐसे हम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हम अब आ गए अगले साल में, बस इतना ही करना है। अब जब आप नए साल की एंट्री शुरू करोगे 1 अप्रैल 2019 से, तो आप अब नए साल में ही हो, तो आपको हर साल जब आप नया साल शुरू करते हो तब आपको सिर्फ बाहर आके गेटवे ऑफ टैली में आके पीरियड चेंज करना है और फिर एंट्रीज करना शुरू करना है। अब चलिए मैं जाता हूँ बैलेंस शीट में, मैं बैलेंस शीट में ही हूँ तो, और ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये नया साल शुरू हुआ है उसमें आपको फर्नीचर दिख रहा है 10,000 का, कैश दिख रही है जो हमारे पास थी पहले से ही, फर्नीचर भी था, और बाकी सारे जो ये खर्चे थे और इनकम थी वो नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट LIC जिसकी एंट्री मैंने डिलीट कर दी थी आपको दिखाने के लिए। अब ये एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हो ये रहा है कि जो 2000 की LIC का जो खर्चा था, जो 2000 का LIC का खर्चा था पिछले साल का, वो इस साल भी हमें दिख रहा है। तो ये कन्फ्यूजन 100% क्रिएट होता है कि पिछले साल का खर्चा इस साल कैसे आ गया और इस साल क्यों आना चाहिए। ये गलत है, ये रॉन्ग एंट्री है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने एंट्रीज क्लोज नहीं की थी कच्चे खाते की। लेकिन अगर आप ये पक्के खाते देखें यानी कि नॉन करंट अकाउंट, तो फर्नीचर जो आपका 10,000 का पिछले साल का था वो अब भी आपके पास है, तो वो सही है कि हमने क्लोज नहीं किया क्योंकि फर्नीचर अभी भी हमारे पास है। जब कैश आपके पास जो थी पिछले साल कैश 1,21,000 वो अभी भी आपके पास है ऑन 1 अप्रैल 2019, तो वो भी सही है। और यही रीज़न है, यही लॉजिक है कि हम क्यों कच्चे खाते बंद कर देते हैं और क्यों पक्के खाते बंद नहीं करते। अब 2000 का LIC का खर्चा है वो पिछले साल का था, वो इस साल में तो नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमको ये अकाउंट उधर ही क्लोज कर देना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। अगर आपका गलती से ऐसे रह जाता है तो आपको तुरंत ऐसे क्लिक हो जाना चाहिए। और अगर आपको रीज़न जानना था कि क्यों हम कच्चे खाते बंद करते हैं, तो वो ये रीज़न है। और इसी वजह से जो ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज होती है या फाइनलाइजिंग एंट्रीज होती हैं अकाउंट्स की, वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज आप कैसे करते हैं जर्नल एंड जर्नल वाउचर में जाके टैली में, प्लस मैंने आपको ये भी समझाया कि क्यों हमको नॉन करंट अकाउंट को क्लोज नहीं करना है और करंट अकाउंट को क्लोज करना है, वो रॉन्ग पिक्चर दिखाता है अगले साल के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप अगले साल में नए साल में कैसे जा सकते हैं टैली में और आपको क्यों कोई ओपनिंग एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप नए साल में जाओगे तो ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड कर लेता है टैली, आपको कोई किसी भी चीज़ की ओपनिंग एंट्री टैली में नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ पहली बार करनी पड़ेगी जब आप पहली बार अकाउंट में टैली में अकाउंट बना रहे हो। बाकी आफ्टर दैट जब आपने एक बार अकाउंट्स बना लिए टैली में, तो आपको फिर उसके बाद कोई भी तरह की ओपनिंग एंट्रीज कभी भी करनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और आपके जो भी सवाल है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं टैली YouTube में कमेंट सेक्शन में। ये जो है मैंने नया सेक्शन शुरू किया है रोज़ एक सवाल का, तो मैं आपके कोई भी एक सवाल का रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा। ये मैंने पहले भी शुरू किया था लेकिन कुछ रीज़न की वजह से चला नहीं, लेकिन अब से मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा टैली पे और आपकी मदद करने की ट्राई करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स या दोस्त हैं जो जिनको ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज या अकाउंटिंग एंट्रीज फाइनलाइजेशन में तकलीफ होती है, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।